तो आज आपके लिए लेके आया हूँ Vivo T1 Pro 5G स्मार्टफोन। भाई एक नजर इसके लुक्स और डिजाइन पर, काफी स्टाइलिश स्मार्टफोन है। और जो इसका नीचे वाला कैमरा लेंस है उसमें आपको दो कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कमाल दमाल हिडन फीचर्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद में इस मोबाइल को यूज करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आप किसी को स्मार्टफोन देते हो, जब भी आपसे फ्रेंड्स वगैरह या घर में बच्चे वगैरह यूट्यूब चलाने के लिए मोबाइल लेते हैं तो आप उनको मोबाइल देते हो लेकिन ये चाहते हो कि वो यूट्यूब ही चलाएं, या फिर फ्रेंड्स मोबाइल लेते हैं तो वो चाहते हो कि कॉल ही करें, इसके अलावा दूसरा एप्स बैक कर अपने एप्स वगैरह या डेटा वगैरह ना देख ले, तो इसको आप लॉक करके भी दे सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पर आपको टैप करना है सिक्योरिटी के ऊपर और इसके नीचे सबसे नीचे देखने को मिलता है ऐप पिनिंग, तो इसको यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद में यहाँ पर आपको पैटर्न वगैरह या फिर लॉक वगैरह जो है वो आपको लगाना होगा, तो आपने तो एलरेडी पहले से ही लगा रखा होगा, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ गाइज। जैसे कि हमने ये वाला स्मार्टफोन के अंदर लॉक लगा दिया है और यहाँ पर आपको फेस लगा लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अब आपको जिस ऐप को लॉक करना है, यूट्यूब को या फिर किसी को भी, उसको ओपन करना है और बैक आना है। बैक आने के बाद में 3 बटन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जिस ऐप को भी लॉक करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके रखिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पिन मिलेगा तो पिन कर दीजिएगा, फिर भाई अब वो है जो आप बैक नहीं आ पाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो उसको यहाँ पर बैक आने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेगा। अगर आप बैक आना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3 बटन एंड जो ये बैक बटन है इसको प्रेस करके रखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा जो अगला समझदार होगा वो भी कर सकता है, तो इसके लिए आपको सिंपली गाइस जैसे कि अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो 3 बटन एंड बैक बटन के ऊपर प्रेस करना है एक साथ में। भाई अब जो अगर वो अगला करेगा तो स्क्रीन लॉक हो जाएगी और लॉक स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि हम स्मार्टफोन को लॉक कर देते हैं, लॉक करने के बाद में बिल्कुल सिंपल रहता है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही आप मूव करोगे या फिर हल्का फुल्का हिलेगा तो आपके स्मार्टफोन के अंदर जैसे कि इस तरीके से टाइम देखने को मिलता है सन के अंदर, तो लॉक स्क्रीन के ऊपर ये वाला सिस्टम बना रहेगा। तो दोस्तों कितना मजेदार है, इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद में जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलती है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके से इसमें और भी कस्टमाइज मिलती है, सिंपली टाइम लगाना चाहते हो टाइम लगा सकते हो, यहाँ पर और भी कुछ देखने को मिल जाता है, फॉलोअर्स वगैरह जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ से कस्टमाइज करके अप्लाई कर सकते हो। और भाई इसके अंदर आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि भाई कुछ भी है टेक साजिद, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा सकता हूँ, आप खुद का भी अपना नाम लिख सकते हो जो आपको पसंद आए गाइज, फिर आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लॉक स्क्रीन के अंदर कुछ इस तरीके से भी लगा सकते हो। और गाइज इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर आपको स्क्रॉडल, आप चाहते हो कि ये वाला मोड है जो आधे दिन ही रहे या फिर पूरे दिन रहे, तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। और इसके अंदर लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको कौन कौन से एप्स के नोटिफिकेशन देखने हैं वो भी आप यहाँ से क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मजेदार स्क्रीनशॉट के बारे में। हाँ भाई बिल्कुल, इसमें आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलता है एस्केपचर, जिसके ऊपर आप फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इस पे ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है सेव्ड स्क्रीनशॉट। तो भाई यहाँ पर अब जैसे कि आपको इतनी सारी स्टाइल मिल जाती है, इसके अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली जो भाई डिजाइन के अंदर लेना है उसके ऊपर क्लिक करना है, और अब आप इसको एडजस्ट में बड़ा छोटा भी कर सकते हो, जितना बड़ा स्क्रीनशॉट लेना है वो इस शेप के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों कितना मजेदार लगेगा, और भी यहाँ पर अलग अलग शेप मिल जाते हैं, फिर आप इसको सिंपली सेव कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है लेसो स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप भाई कस्टमाइज करके जितना बड़ा स्क्रीनशॉट लेना हो वो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो, वो आपके सामने ऐसे आ जाएगा। और इसके साथ इसके अलावा बात करते हैं भाई यहाँ पर जो लिए लास्ट वाला स्क्रीनशॉट है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भाई इसके अंदर भी आप कुछ सेम तरीके से स्क्रीनशॉट ले पाओगे, लेकिन इसमें आपको पेंटिंग की तरह मिलेगा कि भाई मुझे इतना बड़ा स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसके ऊपर आप पेंट करके यहाँ से ऐसे इस तरीके से ले सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रिक्स कैसी लगी भाई, अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम बात करते हैं इसके अलावा स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर एस कैप्चर के ऊपर फिर से एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर मिलती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो तो सेम आपको सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। अब भाई मिलता है जैसे कि रिकॉर्ड एनिमेशन, जैसे भाई मुझे कुछ भाई इतनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके भेजनी है किसी को भाई, तो यहाँ से आप इतने एरिया की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अगर चाहते हो कि बड़ा छोटा करना तो इसको छोटा बड़ा भी करके बढ़ा सकते हो, और फिर आप यहाँ से ऑन कर दीजिएगा तो अब इतने इतने एरिया की स्क्रीनशॉट होगी जो भी आप कुछ इसके अंदर करोगे भाई। तो दोस्तों ये वाली ट्रिक्स आपको कैसी लगी, इसके अलावा भी और भी मजेदार फीचर्स देखने को मिलते हैं एस कैप्चर के अंदर ही आपको स्क्रीनशॉट के अंदर।
तो भाई यहाँ पर आप लॉन्ग स्क्रीन शॉट भी क्लिक कर पाओगे। जैसे कि भाई लॉन्ग स्क्रीन शॉट आप यहाँ से थ्री फिंगर से नीचे की साइड में स्लाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से भी ले पाओगे। एक ही फोटो के अंदर आप बहुत बड़ा स्क्रीनशॉट ले पाओगे, जैसे कि भाई ज्यादा डिटेल के साथ में। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, फिर कुछ देर के लिए लोडिंग होगा, फिर आप भाई यहाँ से ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाओ, स्क्रॉल डाउन करते जाओ, तो भाई इतना बड़ा स्क्रीनशॉट एक ही फोटो में ले पाओगे। और यहाँ से जैसे कि देख सकते हो इस डिटेल के अंदर। तो दोस्तों आपने कभी कभार देखा होगा कि भाई हम स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है अगले अगर किसी को सेंड करें या फिर दोबारा देखते हैं। तो भाई यहाँ से आप क्वालिटी भी को भी बढ़ा सकते हो। सिंपली एस्केप्चर के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर जाना है और फिर आपको यहाँ से एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर क्वालिटी एंड जो ये वीडियो क्वालिटी होगी वो दोनों में सेम होगी, तो यहाँ पर हाई कर दोगे तो भाई जो पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी होगी इसकी छोटी वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी के अंदर आएगी। इसके अलावा बात करते हैं जैसे कि भाई इस स्मार्टफोन को और स्मार्ट कैसा बनाया जाए। तो भाई यहाँ पर आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे की ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जैसे कि भाई कुछ मजेदार ट्रिक्स बताता हूँ। अगर भाई आपको आंखों का ख्याल है या फिर आप मोबाइल को ज्यादा चलाते हो तो यहाँ पर सिंपली आपको आई प्रोटेक्शन पे कर देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो डिस्प्ले का कलर है वो व्हाइट से होकर वार्म येलो हो जाएगा, जिससे आंखों पर रोशनी कम पड़ेगी और खराब होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अगर आप इस मोबाइल को नाइट में यूज करते हो तो डार्क थीम मिल जाता है जिसको इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद में जो डिस्प्ले का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा और आंखों पर इतनी रोशनी नहीं पड़ेगी। और गाइज नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे मैं यहाँ से फिर से एक बार इसको इनेबल कर देता हूँ और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको स्क्रीन कलर्स मिलता है, तो आप आंखों के हिसाब से भाई कस्टमाइज कर सकते हो कि जैसे नाइट में चलाते हो तो यहाँ से फुल येलो कर दीजिएगा और डे के अंदर आप जैसे कि इसको वाइट भी कर सकते हो या फिर डिफॉल्ट करोगे तो सेम वैसा हो जाएगा। तो जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर मिलती है आपको फ्रंट साइज, तो जैसे मैं अभी आपको जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपको छोटा अक्षर में नजर आ रहा होगा तो आप इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। बढ़ाने के बाद में भाई यहाँ से जैसे मैं लार्ज कर देता हूँ तो इनकी साइज है जो बड़ी हो चुकी है। अब आपको टोटली सेटिंग्स में जहाँ कुछ भी अक्षर लिखे होंगे वो बड़े देखने को मिलेंगे। तो गाइज यहाँ से आपको सिंपली बैक आ जाना है, जो जितना आपको करना है उस तरीके से कर सकते हो। फ्रंट स्टाइल जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है ये अभी डिफॉल्ट के अंदर लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप इसको यहाँ पर क्लासिक है जो डेटा वगैरह डालकर कुछ और भी ज्यादा डाउनलोड करके लगा सकते हो भाई अलग अलग स्टाइल में जो आपको पसंद आए, तो एक बार करके जरूर देखना। अब आपको जैसे कि देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर बैटरी की जो परसेंटेज है वो दिखाई नहीं दे रहे अपन को, तो अपन अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो बैटरी का परसेंटेज है वो कितना है। तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलता है इसी के अंदर स्टेटस बार, यहाँ पर आप बैटरी एंड परसेंटेज को इनेबल कर सकते हो, फिर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी बैटरी बची हुई है। और इसी के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको जैसे कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट को स्विच कर पाओगे। इस स्मार्टफोन में आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है 90 हर्ट्ज दोस्तों, तो जैसे कि आप इसमें अभी स्मार्ट स्विच पर है 90 हर्ट्ज होगी तो और भी ज्यादा स्मूथ चला पाओगे एंड जो गेम वगैरह खेलोगे उसके अंदर बिल्कुल ही स्मूथली चलेगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करना है। तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा फिर 90 हर्ट्ज के ऊपर रख दीजिएगा। तो भाई अब आप मोबाइल को और भी ज्यादा स्मूथली चला पाओगे, गेमिंग वगैरह करोगे तो और भी ज्यादा स्मूथली टच है जो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों आप गेमिंग वगैरह नहीं करते हो तो 90 हर्ट्ज से हटाकर 60 हर्ट्ज भी कर सकते हो, इससे क्या होगा थोड़ा बहुत बैटरी वगैरह है वो ज्यादा ड्रेन होगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर दो एप्स देखने को मिलते हैं, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स। अगर आप चाहते हो कि इनको हटा दिया जाए तो यहाँ पर तो आप सिंपली इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसको हटाने के लिए आपको होम सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपको टैप करके रखना है, फिर होम सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जैसे कि भाई यहाँ पर एप्स हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, तो इनको इनेबल कर दीजिएगा। और इसके अलावा ये है गूगल डिस्कवर, तो गाइज ये क्या काम आता है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको गूगल डिस्कवर मिलता है। तो आप चाहते हो इसको हटाना क्योंकि इस पर कभी कभार कोई न्यूज़ वगैरह भी आती है या फिर न्यूज फोटोज वगैरह भी आती है, तो आप इनको चाहते हो कि यहाँ से हटा दिया जाए, तो सिंपली आपको होम स्क्रीन के ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है होम सेटिंग्स में और गूगल डिस्कवर को इनेबल कर दीजिएगा। तो भाई यहाँ से आप गूगल डिस्कवर हट चुका है। तो गाइज जब भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे नोटिफिकेशन बार पे जाते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अभी ब्लू कलर हो रखा है और इसका भी सभी का ब्लू कलर रहेगा, तो आप चाहते हो कि इसका कलर चेंज किया जाए तो सिंपली बैक आना है और बैक आने के बाद में होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना है। फिर नीचे देखने को मिलता है यूआई कलर, तो आप जब इस स्मार्टफोन में डेटा वगैरह डालोगे तो यहाँ पर आपको और भी कलर्स वगैरह डाउनलोड करके लगा सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस स्मार्टफोन को भाई सेकेंड हैंड खरीदते हो, यूज्ड मोबाइल खरीदते हो
और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कितनी वारंटी के अंडर है या फिर नहीं है, या फिर आप दुकान से भी नया खरीदते हो तो भाई आपको ये जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर vivo.com का ऐप मिलता है, इसके अंदर जाना चाहिए और फिर यहाँ से आपको एग्री कर देना है। जब आप इस स्मार्टफोन में डेटा वगैरह चलाओगे तो यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड मिलेगा, इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा। एक्टिवेट करने के बाद में जब भी यह कर पाओगे, जब आप इस स्मार्टफोन के अंदर डेटा या फिर सिम डाल पाओगे, तो एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी वारंटी कितनी बची है या फिर कितनी नहीं है, या फिर इस मोबाइल को कितना यूज किया हुआ है। कहीं अपने को दुकान वाला है जो भाई मोबाइल यूज करके तो ना बेच दे।